अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बैंगल बॉक्स बनाएंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये हमने बैंगल बॉक्स बनाया है। इसको हम यहाँ से डबल रनर देते हुए हमने जिप को अटैच किया है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और ये हमारा पूरा खुल के ऐसे आता है। और यहाँ से हमने ये देखिए, ये हमने रॉड दी है। ये देखिए, बैंगल के बीच में ये हमने ऐसे फोर रॉड बनाई है जिसमें हमने बैंगल को ऐसे इसमें बैंगल को ऐसे डालते हुए इसमें सेट किया है। फोर पार्टीशन में हमने इसको बनाया है और फोर हमने रॉड बनाते हुए इसको बैंगल को इसमें सब बैंगल्स को इसमें रखा है। ये जो यहाँ पे स्टिच लाइन दिखती है वो यहाँ की स्टिच लाइन हमने फ्रंट की साइड में करते हुए लेस से मैंने कवर कर दी है। ये काफ़ी यूज़फुल है फ्रेंड्स, तो इसको आप ज़रूर स्टिच करिए और अपने सारे बैंगल्स को इसमें सेव करके रखिए। और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से जिप से लॉक कर देंगे। देखिए, जिप से हमने लॉक कर दिया। ये हमारा बैंगल बॉक्स फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, हमने लेस से इसको डेकोरेट किया है। आप चाहे तो यहाँ से यहाँ पे फ्लावर भी लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। बैंगल बॉक्स बनाने के लिए हमने 11x11 का ये गुल्टेड पीस लिया है और 11x11 का ये हमने ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है, 11x11 की है ये। और ये 11x11 का हमारा गुल्टेड पीस है और ये 4x8 का गुल्टेड पीस है। ये देखिए, 4x8 का गुल्टेड पीस है और 4x8 का ये हमारा प्लेन पीस है। एक प्लेन पीस है और एक गुल्टेड पीस है 4x8 का। और ये 3x37 का हमारा कुल्टेड पीस है। ये देखिए, 3x37 का कुल्टेड पीस है और ये 37 इंच की हमने ये लेस ली है। देखिए, ये लेस ली है, 37 इंच की लेस है ये। और ये 37 इंच की जिप ली है जिसमें दो रनर हमने डाल लिए हैं। ये देखिए, दो रनर डाल लिए हैं। ये 37 इंच की जिप है और ये 6x10.5 का प्लेन पीस है। देखिए, 6x10.5 का प्लेन पीस है। आपको फोर पीस लेने हैं, हमने थ्री पीस बना लिया है। एक आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है ये रोल। तो ये 6x10.5 का प्लेन पीस है, आपको फोर पीस लेना है जिसमें से हमने थ्री पीस बना लिए हैं और वन पीस मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाने हैं। और ये 2x2 का प्लेन पीस है। देखिए, 2x2 का दो प्लेन पीस है जो हम कॉर्नर में यहाँ पे लगाएंगे। 2x2 का प्लेन पीस। ये 8x10 का चार्ट पेपर है जो हम फोल्ड करके उसमें रोल में लगाएंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड करके हम रोल में लगाएंगे। तो ये हमने 8x10 का चार्ट पेपर लिया है और ये 6.5x11.5 के थ्री पीस हमने प्लेन पीस लिए हैं। ये देखिए, थ्री पीस है हमारे, तीनों हमारे प्लेन पीस है। 6.5x11.5 के तीन प्लेन पीस। और ये हमने 2.5x9.5 का ये हमने देखिए पतली सी कार्डबोर्ड लिया है, बहुत हल्का सा है, जो बीच में हम रखने के लिए स्टिच करेंगे। जो हमने ये पीस अभी आपको बताया इसी में हम इसको बीच में ऐसे रख के स्टिच करेंगे। तो ये हमने 2.5x9.5 का ये हमने कार्डबोर्ड लिया जिससे ये सीधे ऐसे खड़ा रहे। तो आप चाहे तो मोटा कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये पतला कार्डबोर्ड लिया है। ये देखिए, ज़्यादा सख्त नहीं है, ये पतला सा कार्डबोर्ड है। और ये हमने तीन पीस लिए हैं इसके। ये देखिए, ये तीन पीस लिए हैं, 2.5x9.5 के तीन पीस लिए हैं और ये 6.5x11.5 के थ्री पीस हमारे प्लेन पीस हैं। 2 इंच की हमने पाइपिंग ली है। ये देखिए, 2 इंच की पाइपिंग। सबसे पहले हम 3x37 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और ये जिप लेंगे। ये भी हमारी 37 इंच की जिप है। इसको देखिए उल्टी साइड में, ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। तो उल्टी साइड में हमें सीधी जिप रखनी है। उल्टी साइड में हमें सीधी जिप रखते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। Thank you.
उल्टी साइड में हमने जिप को रखते हुए सीधे स्टिच कर लिया है और इसमें उल्टे पीस में अटैच कर दिया है। अब हम इसको ऐसे सीधी साइड लाएंगे, ये देखिए जिप को हम सीधी साइड ऐसे ऐसे करेंगे और ये जो हमने लेस ली है ये लेस को हम इसके ऊपर, देखिए लेस को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे स्टिच लाइन जिप के ऊपर और सीधे स्टिच करके हम इसमें अटैच करेंगे लेस को। ये देखिए स्टिच लाइन को हमने फ्रंट की साइड में ऐसे फोल्ड करते हुए और लेस के साथ इसमें अटैच कर दिया है। अब हम लेस को इस साइड से भी यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे लेस को। दोनों साइड से देखिए लेस को हमने स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब ये लेस हमारी इसमें अटैच हो गई है जिप के साथ। अब हम 4x8 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और उल्टेड पीस को इसके ऊपर देखिए उल्टी साइड ऐसे रखेंगे और इस साइड हम प्लेन पीस रखेंगे। ये देखिए इस साइड हम प्लेन पीस रखेंगे और इस साइड हम उल्टेड पीस रखेंगे और दोनों को स्टिच करके साथ में इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए जिप वाले पार्ट में हमने उल्टेड पीस और प्लेन पीस को लेते हुए स्टिच कर दिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके ऐसे निकाल देंगे। अब हम ये प्लेन पीस को इस साइड लाएंगे और क्विल्टेड पीस को भी इस साइड लाएंगे और यहाँ पे सीधे स्टिच करके दाब सिलाई दे देंगे। ये देखिए हमने दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लिया है। पहले क्विल्टेड पीस को हम देखिए इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए ऐसे रखा हमने। अब ये जो हमने स्टिच किया है जिप वाला पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम इसके ऊपर ऐसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस दोनों को लेते हुए हमने स्टिच कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा इसको हम कट करके निकाल देंगे और इसको हम इधर से पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हमारा स्टिच लाइन हमारी अब अंदर चली गई। अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए हम इसको हम प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। देखिए दाब सिलाई देते हुए जो प्लेन पीस हमारा ये खुला पार्ट है इसको हम स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। दाब सिलाई देते हुए हमने इस साइड भी देखिए प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है और इस साइड से भी, दोनों साइडों से हमने प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब जो हमारी यहाँ की स्टिच लाइन है वो प्लेन पीस से हमने अंदर स्टिच लाइन को कवर कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ये जो स्टिच लाइन है इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे हम सेंटर का मार्क करेंगे, सेंटर का मार्क चौक से लगाएंगे। नीचे की साइड में लगाना है, जिप की साइड में ऊपर की साइड में नहीं लगाना है, हमने नीचे की साइड में सेंटर का मार्क लगाया है। अब हम ये 11x11 का क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हम यहाँ पर भी सेंटर का मार्क चौक से लगाएंगे। ये देखिए ये हमने सेंटर का मार्क चौक से लगाया। अब हम इसको नीचे रखेंगे और ये जो हमने सेंटर का मार्क लगाया है देखिए
ये जो हमने सेंटर का मार्क यहाँ पे लगाया है, इसको हम सेंटर वाले मार्क से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे पिन लगा लेंगे। पहले हम पिन से अटैच करेंगे, इसके बाद स्टिच करेंगे। तो हम पहले पिन से इसको सेट कर लेंगे चारों तरफ। ये देखिए, ऐसे करते हुए हम चारों तरफ से पिन से इसको सेट कर लेंगे। चारों तरफ से देखिए हमने पिन से इसको अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से जहाँ से मार्क किया था यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे और इसमें फोल्डेड पीस में इसको अटैच कर देंगे। पिन निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। चारों साइड में स्टिच करके हमने अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ से पाइपिंग को अटैच करेंगे। ये पाइपिंग हमने ली, पाइपिंग को पहले थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने 2 इंच की पाइपिंग ली है, 2 इंच की पाइपिंग को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए, देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ से जहाँ से हमने अटैच करना शुरू किया था वहाँ से बैक साइड से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ से स्टिच करना शुरू किया और चारों साइड से पाइपिंग को देखिए अटैच कर दिया है। अब हम पाइपिंग को फ्रंट की साइड में लाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने स्टिच करना शुरू किया था, यहाँ से ऐसे हम इसको पाइपिंग को इस साइड लाएंगे और इसके ऊपर ऐसे स्टिच लाइन के ऊपर रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे और पाइपिंग को ऐसे इसमें अटैच कर देंगे। और कॉर्नर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, देखिए कॉर्नर में थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। ऐसे करते हुए थोड़ा सा कॉर्नर में वी शेप में थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। चारों तरफ से नीटली हमने पाइपिंग को अटैच कर दिया है फोल्ड करके। अब हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। अब हम ये जो ये पार्ट है, देखिए जो स्टिच लाइन है बैक वाला पार्ट, दोनों को ऐसे लेते हुए यहाँ पे सेंटर का मार्क लगा लेंगे। देखिए हल्का सा कट लगा लेंगे यहाँ पे। ये हमारा सेंटर है और ऐसे ही ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को लेंगे और इस कॉर्नर को लेंगे। देखिए इस कॉर्नर को लेते हुए यहाँ पे इस कॉर्नर को ऐसे मिलाएंगे और ऐसे देखिए बराबर में इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पे हमें चौक से सेंटर का मार्क लगाना है। देखिए यहाँ पे जिप में हमें चौक से सेंटर का मार्क लगाना है। ये हमने जिप में सेंटर का मार्क लगाया। देखिए ये जिप में हमने सेंटर का मार्क लगाया इस साइड से और इस साइड से। अब ऐसे ही इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ऐसे लेंगे। देखिए कॉर्नर को कॉर्नर से लेते हुए आप ऐसे करेंगे तो आपको सेंटर ऐसे मिल जाएगा। देखिए ऐसे करेंगे आप तो सेंटर, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर पे आप यहाँ पर मार्क लगा लीजिए। हमने चारों तरफ से सेंटर का मार्क लगा लिया है। अब हम ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लेंगे और यहाँ पे पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए पहले इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे। ऐसे ही इस साइड से भी फोल्ड करेंगे और हल्का सा कट लगा लेंगे। हल्का सा कट लगाना है हमको चारों साइड से ऐसे। अब इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। हमने चारों साइड से यहाँ पे सेंटर का कट लगा लिया है। अभी जो हमने कट लगाया है, कट को हमें देखिए इस साइड से, ये जो हमने बैक साइड में कट लगाया है, कट को कट से ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिन को पहले अटैच करेंगे। देखिए पहले पिन से अटैच कर लेंगे, इसके बाद स्टिच करेंगे। तो देखिए ये सेंटर का मार्क है और ये सेंटर का मार्क है, चौक से लगाया है हमने। इसको दोनों को ऐसे लेते हुए बराबर में हम यहाँ पे पिन से अटैच कर देंगे पहले और इस सेंटर को इस सेंटर से मिला लेंगे। ये जो यहाँ पे लगाया सेंटर का मार्क, इस सेंटर को इस सेंटर से मिला लेंगे। ये देखिए चारों साइड से हमने एक एक पिन लगा ली है। अब हम स्टिच करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। ये ऐसे लेते हुए हम पिन को निकालते हुए स्टिच करना शुरू करेंगे हम इसको।
सेंटर का जो हमने मार्क करके स्टिच किया है, ऐसे ही आप भी स्टिच करिएगा जैसे आपकी स्टिचिंग एकदम परफेक्ट हो। तो फ्रेंड्स अब हम ये जो ये कॉर्नर्स थोड़े निकले हैं इसको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए थोड़े थोड़े कॉर्नर से निकले हैं, इसको हम कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए 2 इंच की हमने पाइपिंग ली है, पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद ऐसे फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे नीचे की साइड में ऐसे रखेंगे और फोल्ड करते हुए पाइपिंग को इसमें स्टिच करेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट पन्नी में हमने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब हम जिप को खोलेंगे, ये देखिए जिप को ओपन कर लेंगे। जिप को ओपन करने के बाद ये हमने इसको फोल्ड किया, स्टिच लाइन पे हमने फोल्ड किया और ये ट्रांसपेरेंट पन्नी पे ऐसे रखते हुए हम सीधे चारों तरफ स्टिच करेंगे। इस ट्रांसपेरेंट पन्नी पे हमें स्टिच करना है, हमें ऐसे खड़ी पाइपिंग नहीं लगानी है, हमें ऐसे देखिए फोल्ड करना है। इसके बाद ये जो हमने अभी स्टिच किया है स्टिच वाली लाइन पे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको हम ट्रांसपेरेंट पन्नी की तरफ लाके और ट्रांसपेरेंट पन्नी में हम स्टिच करेंगे और पाइपिंग को इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और पाइपिंग को अटैच कर देंगे। ऊपर हमने खड़ी स्टिचिंग नहीं की है, ट्रांसपेरेंट पन्नी में इसको पाइपिंग को फोल्ड करते हुए चारों तरफ से देखिए हमने स्टिच कर लिया है और इसमें अटैच कर दिया। ऐसे में बैक साइड में भी जब ये पाइपिंग दिखती है तो खूबसूरत लगती है। तो हमारा ये बॉक्स तो बन के रेडी हो गया है। अब इसको अब हम सिप से लॉक कर देंगे। अब हम 6x10.5 का ये प्लेन पीस लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधे स्टिच कर लेंगे। फोल्ड करके देखिए हमने सीधे स्टिच कर लिया है और इसको हमने लॉक कर दिया है। अब हम ये 2x2 का ये हम प्लेन पीस लेंगे और इसको ये देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे। पहले एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके बाद ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसको बराबर में बिल्कुल लाएंगे। देखिए बराबर में फोल्ड करना है, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए हम यहाँ से देखिए यहाँ से शेप में गोल शेप में इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ऐसे कट कर देंगे। तो हमारा ये राउंड शेप में हमारा ये सर्किल कट हो जाएगा। देखिए ऐसे सर्किल कट हो गया, ऐसे ही हमको इसको भी कट करना है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ कॉर्नर से हम धीरे धीरे स्टिच करते हुए इस सर्किल को यहाँ पे अटैच कर देंगे। धीरे धीरे आप इसको घुमाते हुए स्टिच कर लीजिए। देखिए ऐसे करके घुमाते हुए स्टिच करना है और इसमें सर्किल को अटैच करना है। ये देखिए राउंड में स्टिच करके हमने इस सर्किल को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम इसको पलट के सीधी साइड ले आएंगे। देखिए इसको ऐसे पलट लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने पलट के इसको सीधा कर लिया। अब हम 8x10 का जो हमने चार्ट पेपर लिया था इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके 8x10 का ये चार्ट पेपर है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम सर्किल में ऐसे इसके अंदर डालेंगे। देखिए ऐसे करते हुए हमें सर्किल में इसको डालना है। इससे ये थोड़ा सा टाइट रहेगा और जो कतरन होती है जो हमारे स्टिचिंग में जो कतरन छोटी छोटी कतरन बच जाती है उसको इसके अंदर हम फिल कर देंगे। देखिए ये हमने देखिए चार्ट पेपर को इसमें कवर कर दिया। देखिए इसमें चार्ट पेपर को डाल दिया हमने। अब हम ये थोड़ी सी फोम हमने कतरन रखी है इसको हम इसमें फिल कर देंगे। देखिए थोड़ी सी फोम लेके ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे लेते हुए हम इसमें फिल करते जाएंगे और इसको अच्छे से इसमें फिल कर देंगे। ये फोम लेके भी भर सकती हैं आप। इसमें कतरन को इसमें हमने फिल किया है, ये देखिए इसको आप
ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से ऐसे करते हुए आप एकदम सेट कर दीजिए, बिल्कुल टाइट कर दीजिए इसको अंदर की साइड में। ये देखिए अंदर की साइड में एकदम टाइट हो जाएगा ये। ये देखिए ये जो हमने कतरन रखी है इसको हम इसमें फिल कर देंगे, इससे हमारी कतरन भी यूज़ हो जाएगी और हमारा ये बैंगल रखने का ये स्टैंड भी हमारा रेडी हो जाएगा। हमने कतरन ऊपर तक फिल कर दी है, अब जो ऊपर की साइड में है उसको थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे अंदर की साइड में थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, अंदर की साइड में थोड़ा सा फोल्ड किया और जो हमने अभी 2x2 का पीस कट किया है, ये देखिए ये जो 2x2 का पीस कट गया है इसको हमें निडिल से स्टिच करना है। इसमें पहले हमने निडिल को डाला, इसके बाद फोल्ड करते हुए इस कपड़े को जो हमने सर्किल में कट किया है इसमें हम करते हुए धीरे धीरे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे, चारों साइड से राउंड में हम धीरे धीरे स्टिच कर लेंगे निडिल से। फोल्ड करते हुए निडिल से पूरा आप इसको राउंड में स्टिच कर लीजिए। देखिए निडिल से पूरा हमने स्टिच करके इसको लॉक कर दिया है। अब हमारा ये रोल पूरा हो गया है। ऐसे ही हमने ये देखिए 4 रोल बनाए हैं। चार्ट पेपर को रोल करके पहले आप डालिए, इसके बाद आप फोम या कतरन कुछ भी उसके अंदर भर के उसको खूब अच्छे से टाइट कर दीजिए, खूब अच्छे से उसको फिल कर दीजिए अंदर से, जैसे वो अच्छे से वो टाइट रहे तभी इसमें बैंगल्स अच्छे से इसमें आएंगी। देखिए बैंगल्स इसमें बहुत अच्छे से आएंगी। तो हमने ये 4 रोल तैयार कर लिए हैं। अब हम 6.5x11.5 का ये प्लेन पीस लेंगे और इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम सीधे स्टिच कर लेंगे। फोल्ड करके सीधे स्टिच कर लिया है, अब इसको हम पलट कर सीधी साइड ले आएंगे। ये देखिए इसको हम पलट लेंगे और इसको सीधी साइड ले आएंगे। देखिए इसको हमने पलट लिया, अब इसको हम जो स्टिच लाइन है इसको ऐसे करते हुए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। देखिए ऐसे प्रेस कर लेंगे और ये जो हमने 2.5x9.5 का जो कार्डबोर्ड लिया था, देखिए बहुत ही हल्का कार्डबोर्ड है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही पतला है। इसको हम इसमें ऐसे देखिए ऐसे इसमें डाल देंगे। देखिए ऐसे इसमें हमने डाल दिया जैसे ये बिल्कुल सीधा ऐसे रहे, इसलिए हमने इसको कार्डबोर्ड को यूज़ किया है। ऊपर से दाब सिलाई दे देंगे, देखिए सीधे स्टिच करते हुए ऐसे ही इस साइड ले आएंगे और इस साइड भी हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। ये पीस हमारा अब रेडी हो गया है। दोनों तरफ से देखिए हमने दाब सिलाई दी है और इसको लॉक कर दिया है। ये देखिए दोनों तरफ से लॉक कर दिया है। जैसे हमने ये पीस तैयार किया है ऐसे ही हमको ये दोनों पीस भी तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इसको हम पहले फोल्ड करेंगे ऐसे और फोल्ड करके हम सीधे स्टिच करके इसको भी हम रेडी कर लेंगे। ये तीनों पार्ट्स अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इस बॉक्स को लेंगे और जिप को ओपन करेंगे। देखिए जिप को ओपन कर लेंगे। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को ओपन करेंगे और इस कॉर्नर को, दोनों कॉर्नर को हमें ओपन करना है। दोनों कॉर्नर को ऐसे ओपन करना है और इस साइड ऐसे ले आएंगे। कॉर्नर से हमें 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। ये देखिए मार्क करना है और ऐसे एक सीधी लाइन खींचनी है। मार्क करके 2.5 इंच मार्क करके लाइन खींच ली। ऐसे ही इसके ऊपर से 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए ऐसे लाइन खींच लेंगे और एक और हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करके लाइन खींची है ऐसे ही इस कॉर्नर पे भी हमें करना है। तो देखिए इस कॉर्नर को ऐसे खोलेंगे और ऐसे कर लेंगे। देखिए कॉर्नर को खोल के हम यहाँ से 2.5 इंच पे यहाँ कॉर्नर से मार्क करेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे खींच लेंगे और अब यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे।
ऐसे ही एक और हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पे, ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ये हमने मार्क करके इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड में हमने मार्क करके लाइन खींच ली है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जो अभी हमने स्टिच किया है, इसको हम ये जो मार्क वाली लाइन है इस पर ऐसे रखते हुए, ये देखिए मार्क वाली लाइन पे इस पर ऐसे रखते हुए हम सीधे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। अब हम पलट के ऐसे इसके ऊपर दाब सिलाई दे देंगे। देखिए इसको हम ऐसे पलट लेंगे और इसके ऊपर हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। इसी के ऊपर ऐसे ऊपर से हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। इस साइड देखिए, पहले हमने ऐसे स्टिच किया, इसके बाद ऐसे करते हुए ऊपर से हम दाब सिलाई दे दी हमने। ऐसे ही हमको दूसरा पार्ट लेना है और इसको हमें ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पे स्टिच करनी है। इसके बाद पलट के हम यहाँ पे दाब सिलाई दे देंगे। तो देखिए ऐसे रखेंगे हम पहले इसको और स्टिच कर लेंगे। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, इस तरफ कर लेंगे और ऊपर से हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। ये मार्क वाली लाइन पे हमने सीधे स्टिच किया, इसके बाद ऐसे करते हुए हमने ऊपर से दाब सिलाई देके स्टिच कर लिया है। ऐसे ही हमको इस साइड भी, जो हमने इस साइड मार्क किया है 2.5 इंच पे, इसको अब यला पहले पीस लेंगे और इसको पहले हम सीधे स्टिच करेंगे, इसके बाद दाब सिलाई देते हुए स्टिच करके इसको इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड देखिए, हमने मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच कर लिया है। अब इस तरफ हम ऐसे पलट के इसमें स्टिच करके दाब सिलाई दे देंगे। इस तरफ थोड़ा स्टिच करने में दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे आप स्टिच कर लीजिए और इसमें अटैच कर दीजिए। पहले हमने स्टिच किया सीधे, इसके बाद दाब सिलाई देते हुए स्टिच करके इसमें ये देखिए नीटली पूरा हमने अटैच कर दिया तीनों पार्ट्स को। इसके अंदर ऐसे रोल को रखेंगे और इसमें अपने बैंगल्स रख के हम और इसको ऐसे हम यहाँ से लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बैंगल बॉक्स बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा बैंगल बॉक्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।